greetings, beloved listeners. welcome to another episode of uh, vessels of god podcast. and again, today we have another vessel that god has been using in his vineyard for over a decade. today we have brother amit khadke from pune, and he is a worshipper, and god has been using him immensely in his kingdom. and those who are watching me for the first time, this is evans francis, your host. so, brother amit, abkar baut, धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और हमारे बीच में ये पॉडकास्ट के लिए आपने सहमति दी उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं आ, क्या आप हमें अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बता सकते हैं जी बस सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहूँगा इस बहुत अच्छे अवसर के लिए और परमेश्वर के सेवक परमेश्वर के दास बस इवान फ्रांसिस के लिए जो कि मेरे लिए बहुत बड़े आशीष का कारण ठहरे हैं इतने सालों में थैंक यू पास फॉर हैविंग मी तो जैसे आपने मुझसे पूछा कि यस yes, और जैसे आपने मुझसे पूछा मेरे परिवार के बारे में मेरे परिवार में मेरे माँ बाप मेरा छोटा भाई मैं और मेरी पत्नी और मेरे छोटी बेटी जो कि नौ महीने की है हम सब लोग रहते हैं जी ओके okay. क्या आप हमें संक्षेप में अपने सेवकाई के बारे में और साथ में लोग आपको कैसे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर uh, में इंस्टाग्राम आप कौन से प्लेटफॉर्म्स में हैं क्या आप हमें बता सकते हैं जी बस सेवकाई के बारे में मैं आप, आपको बताना चाहूँगा uh, मैंने मेरे बी टी एच बैचलर ऑफ थियोलॉजी कंप्लीट की है मेरे कॉलेज uh, के बाद और उसके बाद जैसे परमेश्वर ने मुझे चुना आराधना की सेवकाई के लिए तो एज ऑफ सिक्सटीन सेवनटीन से लेकर अब तक मैं परमेश्वर की सेवकाई आराधना के द्वारा वचनों के द्वारा करता आया हूँ और मैं YouTube चैनल पर हूँ मेरा एक खुद का YouTube चैनल है जिसका नाम है अमित खाटके आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो मेरा Facebook भी है मेरे ही आई से अमित खाटके Instagram पर भी मैं हूँ तो आप इन सभी जगह पर जाकर आप चेक कर सकते हो प्रभु की महिमा के लिए बहुत सारे गीत आपको मिलेंगे बहुत सारे संदेश जो परमेश्वर ने मुझे दिए वो भी आपको मिलेंगे और आप उसके द्वारा आशीषित हो सकते हो ब्रदर uh, आप अपनी से शुरुआत के बारे में हमें बता सकते हैं कि किस तरह आपने सेवकाई की शुरुआत की परमेश्वर ने ऐसा क्या काम किया कि आपको महसूस हुआ कि मुझे uh, परमेश्वर के लिए जीना है आपने बाइबल कोर्स किया तो वो क्या वजह थी कि आपने डिसाइड किया कि अब से मैं ईश्म मसीह के पीछे चलूंगा नो टर्निंग बैक यस यस एक्चुअली हम सभी लोग जानते हैं जब तक मुसीबतें नहीं आती जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आते जब तक बुरे हालात नहीं आते तब तक हम परमेश्वर के पास अपनी दौड़ नहीं लगाते वैसे ही कुछ हमारे जीवन में भी हुआ मेरे पिताजी के जीवन में हम लोग ये थर्ड जनरेशन है हमारी जो कि मसीह में है कुछ डिटेल्स uh, में नहीं लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मिशनरीज आए थे बेसिकली हम लोग कोल्हापुर से हैं तो वहां पर जैसे मिशनरी आए तो उन्होंने जैसे सुसमाचार सुनाया तो हमारे परदादा ने जीसस क्राइस्ट को अपनाया लेकिन हम ट्रेडिशनल चर्चेस में जाते थे ट्रेडिशनल चर्चेस में और वहां पर पवित्र आत्मा का कोई काम ही नहीं था बस क्रिसमस को जाना गुड फ्राइडे को जाना बस ऐसे मसीह नाम के मसीह लोग लो थे हम लोग लेकिन जब प्रॉब्लम्स आए जब हालात कुछ ऐसे हो गए कि पता ही पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करे कैसे जिए तब एक टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन में आया एक पास्टर हमें मिले मेरे पिताजी को और वो हमारे घर पे आने लगे उन्होंने हमें बताया कि यीशु मसीह किस लिए आए हैं उद्धार क्या होता है हम इस प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम्स में से कैसे बाहर आ सकते हैं कैसे प्रार्थना करनी चाहिए तो ये हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था और जब वो आकर हमारे घर में प्रार्थना लेने लगे सबसे पहले परमेश्वर के पास मेरे फैमिली में से मैं आया मैं प्रार्थना करना सीखा तो उसके बाद मैंने मैंने मेरे मेरे स्कूल डेज में मेरे, मैंने मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और उसके बाद मैंने ठाना कि ज मुझे परमेश्वर की सेवकाई करनी है और परमेश्वर ने मुझे चुना है जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ता चला गया परमेश्वर के वचनों में बढ़ता चला गया प्रभु ने ये रिवील करना शुरू किया कि मैंने तुम्हें चुना है और ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई जैसे कॉलेज खत्म किया पिताजी ने कहा कि नहीं तुम बाइबल कॉलेज भी जाओ तुम मैंने बाइबल कॉलेज किया लेकिन मेरा कॉलिंग पहले से कंफर्म था कि मैं एज अ पास्टर नहीं चुना गया हूँ मैं एक आराधक के आराधक की आराधना के, के लिए ही मैं चुना गया हूं। और परमेश्वर उस आराधना में फ्रूट्स दिखाने लगा फल दिखने लगे और वही सेवकई मैंने कंटिन्यू की जी अहमद अहमद आप बता पाएंगे कि आपने कैसे चुनौतियों का सामना किया जब आप सेवकाई में निकले तो ऐसे कोई परिस्थितियां थी जिसमें आपको बहुत कंटिन्यू हुआ आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि शायद इजी होगा मेरे लिए क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से ही आ रहा हूँ तो आपने कौन सी चुनौतियों का सामना किया जो आपको अभी भी याद है बहुत अच्छा क्वेश्चन है पासू जी एक्चुअली मसीही होना और जो मसीही लोग नहीं होते दो दो कैटेगरीज होती है जो पहले से ही मसीह में है और जो बाद में आते हैं जिनका उद्धार होता है सबको चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है वैसे ही मैंने भी मेरे लाइफ में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि चुनौतियां आएंगी मुसीबत भरे रास्ते आएंगे लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने इस जग को जीत लिया है और यीशु मसीह कहते हैं एक वचन में स्वर्ग का और पृथ्वी का इन दोनों का अधिकार मेरे पास है और जो जग में है और और एक वचन में वो कहते हैं जो जग में है उससे बड़ा तुम्हारे अंदर जो है वो मैं तो जब जब भी चुनौतियां आई जब जब ऐसे चैलेंजेस आए जब जब ऐसे लगा

कैसे सु सुसमाचार सुनाना है क्या सुनाना है तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां थी आ, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने लीड किया गाइड किया कैसे करना है क्या करना है गीतों की सेवकाई कभी कभी हम लोग करते हैं जैसे कि बड़े बड़े सं, संजीवन सभाएं होती हैं उसमें हम लोग ग्राउंड्स पे जो बड़ी बड़ी सभाएं होती है छुटकारों की सभा वहाँ पर कभी कभी विरोध होता है तो वो कैसे करे कैसे बात करे क्या करे ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ थी जैसे हम लोग कॉलेज में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा दोस्त परमेश्वर के पास चला है लेकिन हम लोग जानते कि वो कट्टर विरोधी है बट स्टिल हम लोग ये चाहते कि वो हमारा दोस्त परमेश्वर के पास आए तो हम लोग परमेश्वर से सहायता मांगते हैं कि प्रभु ऐसा ना हो कि वो मैं कुछ सुनाने जाऊं जाऊँ और वो दूर चला जाए तो तब भी परमेश्वर ने सहायता की और धीरे धीरे काफ़ी सारे का, काफ़ी सारा उपयोग काफ़ी सारा इस्तेमाल परमेश्वर ने किया ताकि नई नई आत्माओं को बचाया जा सके और इसका सबसे अच्छा माध्यम जो था वो था गीतों का माध्यम वहाँ से मैंने शुरुआत की और वो गीत था आप सब लोग जानते हैं मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जी न पाऊँगा उस गीत के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया तो ये थी जर्नी। कि आपके सवाल का जवाब okay. मैं ठीक से दे पाया हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं और शॉर्ट भी रख रहे हैं तो थोड़ा और मजा आ रहा है बात करने में और सवाल मेरा यही था दूसरा एक और की परमेश्वर ने आपको पहला गाना जो दिया वो क्या था आपको याद होगा और किन परिस्थितियों में आपने वो गाने को लिखा बिकॉज बहुत ईजी है किसी को हायर करके लिरिक्स लिखवाना नहीं, लेकिन नहीं। एक आराधक के लिए सबसे बड़ी आशीष यही रहती है कि जब परमेश्वर खुद उसको बोल देता है ट्यून देता है और वो एकदम से नहीं होता वो जब वो उस दौरान दर्द के दौरान या सिचुएशन से होके जो लिखते हैं तो आपका पहला गीत कौन सा था और क्या परिस्थिति थी उस समय एक्चुअली हम सब लोग जानते हैं जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में होते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की आती है तो ऐसा ही कुछ हालात थे कि मतलब यूज तो हो रहा था बहुत अच्छे से लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि हम किस परिस्थितियों से जा रहे हैं क्या है क्या नहीं और कभी कभी ऐसे कुछ मोड हमारे जीवन में आ जाते हैं और पता नहीं चलता कि कौन सा कौन से रास्ते से हमें जाना है क्या करना है क्या नहीं और जब हम खास रूप से यूथ होते हैं जब हमारी शादी नहीं हो चुकी होती और जब हम मिनिस्ट्री में होते कई बार ऐसे भी हो जाता है कि हम कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं फिर हमें पछताना पड़ता है जो भी है जो भी तो ऐसे बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से मैं भी चाह रहा था फाइनेंशियली हो जो भी हो तब एक गीत जो मेरे मन में जो परमेश्वर ने डाला था हम स... मैंने अभी भी अभी भी उस गीत का जिक्र किया मेरे पास ही रहना प्यारी यीशु जो कि वो गीत कन्नड़ा सॉन्ग है उसको हमने ट्रांसलेट किया और जब जब किसी भी मीटिंग्स में वो गीत में गाता था लोग बहुत रोते थे घुटनों पर आते थे और परमेश्वर के पास आते थे और वो कहते थे कि ब्रदर आप इस गीत को आप हिंदी में ज़रूर बनाना आपके आवाज़ में ज़रूर बनाना और जब मैं बैठता था मैं खुद पर्सनल प्रेयर को जब मैं वो गीत गाता था आज भी जब मैं वो गीत गाता हूँ मैं अभिषेक से भर जाता हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो गीत कहता है दुखों में आंसू में, में मेरी माँ बन के कर्जों में कष्टों में, में मेरा पिता बन ये कहता है, बीमारी की हालत में, में मेरी सेहत बन दुश्मन की अदावत में, में मेरा प्यार बन के आ थर्ड सांजा अंधियारी राहों में, में मेरी रोशनी बन के आ मौत की वादियों में, में मेरा जीवन बन के आ फोर्थ सांजा वचन पढ़ू जब मैं मेरा गुरु बन गया प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया तो ये सारे स्टांजा वो पर्सनली पहले मेरे लिए थे फिर दूसरों के लिए जब मैं वो, वो गीत गाता था हमने वो ट्रांसलेट करना शुरू किया जब वो गीत बना ये गीत पर्सनली मेरे लिए बहुत आशीष का कारण है और जब इस गीत को लिखा गया और प्रभु ने इस गीत के द्वारा मुझे बहुत सांत्वन दिया बहुत शांति दी और ये जताया कि हे मेरे बेटे मैं तेरे साथ हमेशा हमेशा खड़ा हूँ तो ये, ये वो जी।, जी ब्रदर ये सॉन्ग हम भी हमारे चर्च में लेते हैं और और मैं जानता हूँ कि हमारे जैसे और भी कलीसिया ये यूज़ करते हैं सबके लिए ये गीत एक बहुत ही आशीष का कारण है एक सवाल है जो मैं आउट ऑफ द बॉक्स पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप सेवकाई में थे क्योंकि अभी आपने बताया कि शादी के पहले बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं तो जी, आपके लाइफ में ऐसे क्या स्ट्रगल्स थे जो आपने सहे जस्ट बिकॉज यू यू आर नॉट मैरिड लाइक यू नो मीटिंग्स में बुला लेते हैं और फिर उसके बाद में बहुत सारे एक्सपीरियंसिस हैं मेरे अलग हैं आपके अलग हैं तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेवकाई में आने के बाद आपको सहना पड़ेगा अपनों से जो प्रभु में है उनसे तो ऐसे कुछ आप एक्सपीरियंसेस uh, भी शेयर कर सकते हैं जी जी जी, जी। आ, ये भी एक अच्छा सवाल है बट इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ और किसी के विरोध में मैं बात नहीं करना चाहता बस मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे जो अनुभव थे मैं आपके आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक्चुअली कई बार ऐसे होता है कि हम लोग सोचते हैं कि सेवकाई का मतलब है बड़ा बड़ा बिग स्टेज बड़ी बड़ी लाइट्स बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हमें मिलेंगे या बहुत कुछ और सारी चीजें लेकिन असल में सेवकाई का मतलब हम तभी जानते हैं जब हम सेवकाई में उतरते हैं अभी फॉर एग्जाम्पल हर वक्त तो हमें किसी अच्छे शहर से सिटीज से, से इन्विटेशन नहीं आते हैं कभी कभी हमें विलेजेस से भी इन्विटेशन आते हैं तो कई बार ये होता है कि जब जब हम नए 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 होते हैं सेवकाई में उतरे हुए तो हमें लगता है यहाँ पे ये सब कुछ अच्छा होगा वो अच्छा होगा रहना अच्छा होगा होटल होगा ये होगा बहुत सारी चीजें। मैं डीप में नहीं जाना चाहूंगा ताकि कोई हर्ट ना हो तो जब नए नए सेवकाई में था जैसे बढ़ रहा था जब जाने के बाद हमने देखा ये चीज यहाँ पे नहीं है वो चीज यहाँ पे नहीं है कभी कभी होता है ना डिसकंफर्ट होता है कभी कभी जी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती कि यहाँ पे ये नहीं है यहाँ पे ये वो माइक नहीं है यहाँ पे हम, सिर्फ हमें एम्पलीफायर पे ही गाना है ये करना है वो करना है तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी बट कभी कंप्लेन नहीं की और ना ही आगे भी कभी भी करूंगा क्योंकि मैं जान जानता था कि प्रभु यीशु मसीह की मसीह की सेवकाई क्या थी बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं थी और प्रभु यीशु मसीह ने जिस जिन हालातों में सेवकाई की हमें भी वैसे ही हालातों में सेवकाई करना सीखना चाहिए आज बहुत सारे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं बहुत सारे यूथ मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सेवकाई का मतलब ये नहीं है कि आपको बिग बिग स्टेज मिलेंगे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप छोटी छोटी चीजों में आप विश्वास योग्य बने रहो, तब जाकर परमेश्वर आपको बड़े स्तर में इस्तेमाल करेगा भले ही आपकी शुरुआत छोटी हो लेकिन आपका अंत प्रभु यीशु मसीह में बहुत बड़ा होगा हाँ आपको एक्सपीरियंसेस परमेश्वर देगा हमेशा देगा कभी कभी जानबूझ के भी ऐसा होगा मेरे साथ आज भी ऐसा होता है लोग बुलाते हैं और वहां पर किसी भी चीज की सुविधाएं नहीं होती कई बार ऐसे होता है कि कोई रूम भी नहीं होता जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन रूम हमें मिले मिलना चाहिए ताकि हम तैयार हो थोड़ा फ्रेश हो कभी कभी वो भी नहीं होता हम लोग कभी कई बार गाड़ियों में तैयार होते हैं और वैसे ही चले जाते हैं बहुत सारी चीज़ों का कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि चलो अभी मान लो टीम लेकर गए कभी कभी टीम वालों के लिए अच्छा साउंड नहीं होता कभी कभी ऐसा भी होता है भोजन की व्यवस्थाएं कुछ ठीक नहीं होती उसके द्वारा सेहत खराब हो जाती है कभी कभी दूसरे दिन या जो भी है लेकिन जो कुछ भी हो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे लेकिन कुछ भी हो आप परमेश्वर के साथ अंत तक विश्वास योग्य बने रहना क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में तू मेरे साथ अंत तक विश्वास योग्य बना रहे उसके बाद ही मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा मैं तो जो भी हालात हो जो भी एक्सपीरियंसेस आपको भी मिलते होंगे बट मैं यही आपको कहना चाहूंगा उस एक्स एक्सपीरियंसेस से आप सीखे वो अनुभव आप आपके जीवन में आपको आगे वो अनुभव काम आएगा yes. hope, हम... मैं यस जी आई होप अभी हम मैं आई होप मैं अच्छे से आंसर कर रहा हूँ आपको बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल उसका अच्छे से ही आप जवाब दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और जब आप ये बोल रहे थे तो मेरे को एक ही चीज़ याद आ रहा था कि आज के समय पे हम ऐसे समय पे हैं जहाँ पे आने के पहले लोग ये सब चीज़ों को मांगते हैं कि हमें एसी का रूम चाहिए डिमांड्स रहते हैं मेनू रहता एंड लेकिन मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ ऑब्वियसली एंड सबके अपने अपने तरीके हैं सेवकाई right. करने के right. और uh, मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं मेरे को याद आ रहा था एक बार मुझे मैं रायपुर में गया था सेवकाई के लिए और uh, मुझे एक डॉर्मेटरी में रखा गया था hmm. और uh, और वो आठ बाई आठ का होगा बेड में पूरे बग बग्स थे oh. मैं कमोड में बैठा तो कमोड टूटा हुआ था एंड निकलते हुए लाइक यू नो आई थॉट कि पूछो कितने का है रूम सो इट वाज लाइक थ्री हंड्रेड रुपीज एंड भर पूरा पीठ कीड़ों ने ले, काट ले, के वो छन्नी कर दिया ले, ले, पूरा बॉडी पेन था और ऐसे बहुत से लाइक यू नो एक्सपीरियंसेस हम भी सहे हैं और बहुत है। सारे लोग सहते हैं बट यू नो जो इसमें से होके गुजरते हैं जो ये दर्द से एम्बेरसमेंट से एक जगह मेरे पास मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे नहाना पड़ा जहा जिनके पास बाथरूम होते हुए मुझे बाहर नहीं एंड लाइक और मुझे नहीं पता था तो उनके पास बाथरूम है लेकिन जब मैं निकल रहा था तो मैं ग्लास रखने गया तो देखा मैंने किचन के पीछे उनका बहुत अच्छा बाथरूम है बट बिकॉज उन्होंने बोला कि चलो तुम नहा लो एंड वट वॉज द वियडेस्ट थिंग इज कि जब मैं नहा रहा था मुझे पता है लोग मुझे देख रहे हैं लेडीज मुझे देख रही पर देर वॉज नो ऑप्शन सो so, ये तो कुछ नहीं इससे भी और बदतर सहा है आ, बट ये सब परमेश्वर के राज्य में हमने सहा है क्योंकि जो हमको सिचुएशन है उसमें हमको जीना है आज लोग हमारा फ्रूट देखते हैं लेकिन जो सफरिंग हम करके निकले हैं और वो सफरिंग में हम चले इसीलिए वो अभिषेक जो हमारे जीवन में है तो लोग अभिषेक पसंद करते लेकिन सफ़र करना नहीं चाहते आज के टाइम पे बट मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को जितने भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, आज परमेश्वर पाश्चर जी आपका बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल कर रहा है बहुत सारी कंट्रीज पे आप विजिट कर चुके हो तो इसी बात का इसी बात से जो आपने सहा है जी और मैं अब सभी दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि आप पाश्चर जी के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें मैन उनके इंस्टाग्राम पे भी yeah, वो हमेशा yeah. बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट वो शेयर करते हैं आप उनको भी लाइक करें शेयर करें ये हमारे लिए बहुत आशीष के कारण है मैन गॉड ब्लेस यू पास थैंक यू सो मच प्रताप मेरा अगला सवाल ये है कि आप जब आप आराधना को लीड करते हैं hmm. तो सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या होती है आपके लिए लाइक यू नो रिवॉर्डिंग बिकॉज बहुत बार लोग वर्शिप तो करते हैं लेकिन इट इज ऑल अबाउट शोइंग कि उनको कितना अच्छा बजाना आता है वो कितना लंबा खींच सकते कितना हाई टोन ले सकते लाइक उनको देख के लगता है नहीं है कि वो आराधना कर रहे बट इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस एंड पर्सनली मैंने आपको वर्शिप करते हुए देखा है यू हैव बिन टू आर चर्च एंड तो मैंने देखा है कि आपको आराधना करते हुए एंड अगर कोई आत्मा से भरा हुआ है तो उसको पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं है वो यूट्यूब में देख के भी जान सकता है कि व्यक्ति इन एंड आउट कैसा है तो आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि किस में मिलती है जब आप आराधना करते हैं जी ये बहुत अच्छा सवाल किया इसमें मैं आंसर <laughs> देना चाहूंगा बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली आज जो है जो हम लोग देखते हैं ज्यादातर आराधना नहीं होती ज्यादातर वो परफॉर्मेंस होता है और एक्चुअली सबसे अच्छा अगर हम किसको फॉलो कर सकते हैं तो वो थे जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ जो कि हिंदी अर्नेस्ट मल और सुभाष गिल जी जब वे दोनों आराधना करते थे वे दोनों पूरा लॉस्ट हो जाते थे परमेश्वर में उनके सामने कि, कितना क्राउड है वो नहीं देखते थे तो वही जैसे मैं बचपन से उनके गाने सुनता आया हूं तो वो चीज मैंने सीखी जब तक अमित तो खुद परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होगा तब तू लोगों को आराधना में कैसे लेकर जा पाएगा ये मैंने तो सामने क्राउड या दस लोग हो पचास लोग हो या फिर पांच हजार हो पचास हजार हो जो भी हो मायने नहीं रखता लेकिन क्या आप उस जब वेदी पर जाते हो उस स्टेज पर जाते हो क्या आप खुद पहले कनेक्ट हो परमेश्वर के साथ ये मायने रखता है एक एग्जाम्पल में देना चाहूंगा एक गॉड टीवी पर एक एग्जाम्पल आया था वो पाश्चात ने बताया अगर मान लो आपका बैंड है और उस बैंड में पांच लोग हैं ड्रमर है बेस गिटारिस्ट है लीड गिटारिस्ट है अकोस्टिक गिटारिस्ट है जो भी है और आप आप हो तो हर एक के माइंड में क्या चलते रहता है कि अरे मैं ड्रम्स का वॉल्यूम कितना होगा क्या होगा अच्छा आउटपुट आएगा कि नहीं लीड गिटारिस भी वही सोचता है बेस गिटारी सारी अच्छे से आएगा आवाज ये वो इवन लीड जो करने वाला है वो उसके माइंड में भी वही चलते रहता है कैसे होगा क्या होगा बट उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई ये सब बातों को छोड़कर आप उस समय में पहले पवित्र आत्मा की वाणी को सुनना सीखो पहले की परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है आज यही होता है कि हम लोग साउंड 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 चेक करते हैं हाँ वो तो टेक्निकल चीज है वो तो करना ही करना है लेकिन क्या आप अपनी कोठरी में जाकर आप परमेश्वर के साथ संगति करके परमेश्वर से मिलके आए हो या नहीं ये चीज ज्यादा मायने रखती है और आराधना के विषय में यही होता है कि हम लोग टेक्निकल चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन जैसे बाइबल में बताया गया है कि तू अगर प्रार्थना करता है तो जा अपने कमरे में जा अपना दरवाजा बंद कर और मेरी आराधना कर और उसके बाद जैसे हम लोग उस स्टेज पे खड़े होंगे तब चिन्ह और चमत्कार होंगे लोगों के जीवन बदलेंगे लोगों के जीवन से बंधन टूटेंगे क्योंकि आराधना जो है बंधन तोड़ने का काम करती है लेकिन आजकल के वर्षी आप देख लो वो गानों पर निर्भर रहते हैं ज्यादातर वो गानों पर निर्भर रहते मुझे ये गाना लेना है मुझे ये गाना लेना है ये गाने से ये लोग, इन लोगों को मैं नचा सकता हूँ लेकिन सिर्फ नचाना ही आराधना नहीं होती बाइबल में हन्ना की भी आराधना है जो आंखें भिगो देने वाली है वो आराधना आजकल कोई भी नहीं करता कोई भी आंसू नहीं बहाता और हर एक को आजकल सिर्फ नाचना है लेकिन बस वो एक घंटा आराधना चलेगी लेकिन जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा कोई घुटनों पर नहीं आएगा तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को जो ये पॉडकास्ट दे कर रहे हैं आत्मा से भर कर आप आराधना करना सीखो आपके लिरिक्स जो है वो वचन को मैच कर रहे हैं या नहीं वो भी चेक करो ये भी बहुत जरूरी है आपकी आराधना में ऐसा माहौल बने ताकि जो प्रचार करने वाले हैं उनको एक इजी प्लेटफॉर्म मिल जाए ये आराधना होती है कई बार ऐसे भी होता है मैं ऐड करना चाहूंगा और एक चीज कई बार ऐसे भी होता है आराधना करके ये लोग चाय पीने चले जाते हैं और जब पास्टर जी प्रीचिंग करते इनको पता ही नहीं होता कि मैसेज मैसेज का टॉपिक क्या है फिर ये लोग आते हैं अगर मान लो मैसेज का टॉपिक है पाप या फिर क्षमा और ये लोग आकर ऑल्टर कॉल पे कुछ अलग ही गाना ले लेते हैं जो कि मैसेज को मैसेज के टॉपिक से मैच ही नहीं कर रहा है तो मेरा यही मानना है कि आराधना ऐसी करो जो बंधन तोड़ने वाली आराधना करो जिससे जैसे बाइबल बताती है जब दाऊद वीणा बजाता था तो शौल के अंग में से दुष्ट आत्मा भाग जाता था आज हमारे आराधना ऐसी है क्या या हम लोग सिर्फ मैं हाय कितना गाता हूं मैं कितना आलाप से लगाता हूं ये हो रहा है हमें यह देखने की बहुत आवश्यकता है प्रियोग क्योंकि ये आराधना का आज का कल्चर बहुत डिफरेंट होता चला जा रहा है तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या पहले हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट है या नहीं और जो परमेश्वर कहता है वही गीतों को आप ले लीजिए मुझे नेक्स्ट टाइम बुलाया जाएगा उसके लिए मैं ये गीत लूंगा ये गीत बहुत पॉपुलर है ये मैं गीत नहीं लूंगा यही मैं गीत लूंगा ये गीत थोड़ा पुराना हो चुका है कोई बात नहीं जैसे एक एक वर्ल्ड में भी बोला जाता है ना कि ओल्ड इज गोल्ड ठीक है आप जैसा पुराना भी गीत हो लेकिन उस गीत में अगर अभिषेक है तो आप ये गीत ले सकते हो अभी ये जो गीत है मेरे पास ही रहना ये आई थिंक 20 साल पुराना गीत है 20-25 साल पुराना गीत है ये और जब ये गीत हमने ट्रांसलेट किया ये गीत 2018 को रिलीज किया गया आज तक मैं इस गीत को लेता हूँ लेकिन वो गीत फ्रेश है और एक जो भी वर्शिपर जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ वो है फादर एस जे बर्कम्स जो कि चेन्नई से है उनके भी आते आप हिंदी के गीतों को देखिए 43 थ्री वॉल्यूम है उनके गीतों के 43 और उनके अगर आप, गीत ना, आप दूसरे कोई भी गीतों को देखोगे ही नहीं और सुनोगे सुनोगे भी नहीं आप मुझसे पूछोगे ऐसा क्यों उसका आंसर यही है क्योंकि सारे गीत जो है ना वो वर्ड ऑफ गॉड पे बेस्ड है पूरा वचन मिलेगा आपको पूरा वचन वचन के बाहर एक भी लाइन नहीं मिलेगी लेकिन यही मैं आप आ, सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा आराधना जो है पवित्र आत्मा से भर भर कीजिए आप गीतों का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है मैं आई होप ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं ठीक से दे पाया जी जी बिल्कुल मैं जब आप इस इसका जवाब दे रहे थे तो मेरा सवाल यही होने वाला था कि आजकल हमें कैसे समय पे आ गए जहां पे नचवाना जबरदस्ती नचवाना वो आराधना yes. हो गया है दाऊद mm -hmm. को किसी ने नहीं बोला था कि नाचो बल्कि yes. वो आत्मा के द्वारा नाचा एंड yes. uh, साथ में अभी यही सब जो हो रहा है जिसकी वजह से एक बहुत गलत इम्प्रेशन इवन जब लोग mm -hmm. लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं यूट्यूब yes. करते हैं और mm -hmm. उनमें और एक दुनिया वालों में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं, है। नहीं है। लेकिन जैसा जैसे एक चीज है ना कि हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है एक सच्चाई है अगर आपके पास अभिषेक है तो ये आप अभिषेक दे पाओगे yes, अगर yes, आपके पास सिर्फ टैलेंट है तो आप सिर्फ टैलेंट ही दे पाओगे ही दे पाओगे। लोग ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के दान अलग हैं, वरदान अलग है गिफ्ट्स अलग है टैलेंट्स अलग है टैलेंट yes, तो आप अपने अंदर ला सकते हो वो तो जो गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से वो जिस वो गिफ्ट जिसमें की आप गाना गाओ और ऑटोमेटिकली लोग शिफा पाले चंगाई पाले वो गिफ्ट के पीछे बहुत लोग नहीं है क्योंकि उसके लिए घुटनों पे आना पड़ता yes, है पवित्र जीवन जीना पड़ता है जी जी मेहनत करनी पड़ती yes. है रिसेंटली मैं हमारे चर्च में एक बहुत पुराना गाना मैंने लिया था एंड वाइल आई वॉज वर्शिपिंग पवित्र आत्मा एक चीज बोला कि मैं आज भी 60 के दशक 70 के दशक के आराधना को मिस करता हूँ लाइक like, लोग तो yes. भूल गए पर वो परमेश्वर के लिए वो सत्तर के दशक या के दशक कि गीत आज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जो आज बन रहे हैं तो अगर वो नहीं होते तो आज हमारे पास में ये सॉन्ग्स ये नहीं रहते yes. यस यस एग्री करता हूँ जी जी और एक चीज़... यास, 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 जी।, जी हाँ बोलिए बोलिए नो प्रॉब्लम एक चीज आपने जो कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आजकल लोगों को मेहनत नहीं करनी लोगों को गुटनों में नहीं आना है लोग हमेशा बोलते कि पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए आप मेरे लिए उपवास कीजिए लेकिन बेचारे पास्टर क्या-क्या करेंगे आप मुझे बताओ और हम लोग यहाँ पे मस्त अच्छे से रहेंगे टीवी देखेंगे जो भी है हमें मेहनत नहीं करनी लेकिन जो वो में मेहनत करता है परमेश्वर उसका उसको प्रतिफल जरूर देगा ना क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु में लिए गए श्रम हार्ड वर्क कभी व्यर्थ नहीं जाते आज हम सभी चीजें जो है पास्टर पर दे देते हैं कि पास्टर जी आप हमारा क्रूस उठाओ लेकिन हम हमारा क्रूस उठाने के लिए राजी नहीं है जी यही है जी जी बिल्कुल सही कहा मतलब वो पवित्र जीवन नहीं जीने जिएंगे yes, yes, वो, वो उपवास yes. नहीं करेंगे नहीं बस करेंगे। उनको लगता है कि दस लोगों को हजार दे दो और बोले कि बस हमारे लिए दुआ कर लो और बस उनका पैसा वेस्ट होता है उनका काम नहीं होता लेकिन तो परमेश्वर को हम खरीद नहीं सकते जी रिसेंटली आप एक पिता बने हो एक बेटी की बेटी के एंड सो so अभी आपके ऊपर में जिम्मेदारी बढ़ चुकी है पहले पति और अभी पिता तो ये जो जिम्मेदारियां हैं और उसके साथ में सेवक का तो आप संतुलन कैसे बनाते हैं लाइक like, मीटिंग्स आता है उसके साथ आई नो कि आपको बेबी को आप देख नहीं पाते कुछ दिन एंड हाउ इज दैट आई नो कि वो एक लोगों को लगता है इट्स अ सैक्रिफाइस बट आई बिलीव कि ये सैक्रिफाइस का भी एक ब्लेसिंग है कि जिस जिसके hmm. साथ हम रहना पसंद करते हैं देखना चाहते हैं और वो हम प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करके उसके राज्य yes. को हम चुनते हैं तो आप कैसे संतुलन बनाते हैं कि आप परिवार को भी क्वालिटी टाइम दे से अपनी जिम्मेदारी भी उठा सके ये सब करने के लिए परमेश्वर ही ताकत देता है पास्टर जी क्योंकि कई बार ऐसे होता कि है कि इन्विटेशन आते हैं दो दो तीन तीन दिन कभी कभी एक हफ्ता लग जी। जाता है तो बहुत याद आती है फैमिली की लेकिन जी। लेकिन परमेश्वर सहायता करता है और जैसे आजकल फोन्स है तो वीडियो कॉल्स पे लेकिन याद तो आती है और रही बात स्ट्रगल्स की या जो भी है मैं यही आंसर देना चाहूंगा कि सारी चीजों की पूर्ति परमेश्वर ही करता है क्योंकि ये रास्ता हमने चुना है क्योंकि जैसे परमेश्वर ने हमें चुना हमने परमेश्वर को हाँ बोला कि हाँ प्रभु मैं आपके मार्गों पर चलूंगा और एक चीज मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा when God leads He provides when God leads He, he provides तो वो जब लीड करता है तो वो सारी चीजों की पूर्ति करता है कभी-कभी कभी-कभी हो जाता है कभी -कभी कि हम लोग मानसिक संतुलन खो देते हम परमेश्वर हमें सारी चीजें सारी सिखाता भी है कि नहीं जी। तुझे ऐसे करना चाहिए तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए तो जैसे हम लोग मीटिंग्स के बाद मैं आता हूँ मैं फैमिली को टाइम देता हूँ कभी कभी नहीं दे पाता कभी कभी चिड़चिड़ चिड़ हो जाती है घर पे, कभी कभी गुस्सा हो जाता है कभी कभी बेटी को देख नहीं पाता बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट परमेश्वर सहायता करता है सारी चीजों की तो उसके लिए मैं सारा गौरव सारी महिमा परमेश्वर को ही देना चाहूँगा जी 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 तो ब्रदर मेरा एक और जो सवाल यह है कि आराधक होने के होना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है प्रार्थना या उपवास यस yes. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है मैं तो कहूंगा दोनों चीजें फास्टिंग और प्रेयर आजकल जो है फास्टिंग कल्चर जो है वो यूथ भूल ही चुके हैं आप देख रहे होंगे जैसे हम लोग मॉडर्न युग में हम लोग जी रहे हैं सारी चीजें बहुत सारे ए आई टूल्स बहुत सारा सब कुछ मॉडर्न होता चला जा रहा है लेकिन इसमें यह दिक्कत आ रही है कि हम सब लोग फास्टिंग कल्चर जो है उसको ही चुके हैं फास्टिंग क्यों जरूरी है क्योंकि प्रभु मसीह ने फास्टिंग की उन्होंने हमें ये बात सिखाई ओल्ड में भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर के कई दास थे दाऊद को ले लो नैमया ले लो अब डैनियल को ले लो बहुत सारे लोग ने एजरा को ले लो बहुत सारे लोगों ने उपवास प्रार्थना की और उपवास प्रार्थना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल का जो युग है जो पीढ़ी है वो इन मीडिया के द्वारा इतनी प्रभावित हो रही है और शैतान का सबसे बड़ा शस्त्र जो आज के आज आज का जो है शैतान सबसे ज्यादा जो यूथ को भरमाने की कोशिश कर रहा है और जो उसका शस्त्र है वो है हमारा सेलफोन सेलफोन के द्वारा वो बहुत सारे यूथ्स को भरमा रहा है तो इसीलिए हमें उपवास और प्रार्थना करके उन बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि शुमसी ने, हम बाइबल में देखते चालीस दिन चालीस रात प्रभु ये मसीह ने उपवास और प्रार्थना की और उसके द्वारा वो इतना सामर्थ्य बन गया और जब शैतान ने उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां लाई प्रभु यशु मसीह के पास सामर्थ था परमेश्वर का वचन था पर इसलिए प्रभु यशु मसीह ने जीत हासिल की आज हमारे जो भी लोग हैं वो हारी हुई जिंदगी क्यों जी रहे हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले वही बात की हमको हार्ड वर्क करना नहीं है हम एक दिन उपास प्रार्थना नहीं कर पाते क्यों क्योंकि हमने ये आदत डाली ही नहीं है ये चीजें है तो मेरे ख्याल से जो एक आराधक है उसने सबसे पहले हमारे जीवन को पहचानना होगा अगर मान लो मैं मेरी बात करू अमित को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अमित की कमजोरिया क्या है और शैतान जानता है बखूबी जानता है कि अमित की कमजोरी क्या है और उन्हीं कमजोरियों को वो आपके सामने लेकर आएगा तो अगर उन कमजोरियों पर मुझे अगर विजय प्राप्त करना है तो मुझे उपवास और प्रार्थना में जाना ही होगा और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही ऐसे जो बंधन है वो टूट सकते हैं एक आराधक के लिए उपवास और प्रार्थना बहुत मायने रखती है जब तक वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात नहीं करेगा संबंध नहीं बनाएगा जब तक उसका प्याला भरेगा नहीं आप मुझे बताओ वो आराधक लोगों को क्या दे पाएगा क्योंकि वो खुद ही खाली है और आजकल हो रहा है आ, मसी लोगों में बहुत सारे मसीह लोग मुखोटा पहन के आते हैं मुखोटा हाँ मैं खुश हूँ बाहर से दिखाते हैं मैं बहुत आनंदी हूँ बहुत खुश हूँ लेकिन उनको ही पता होता है कि वो किन परिस्थितियों से किन हालातों से जा रहे कौन से बंधनों में है बहुत सारे यूथ जो, जो मैं मिलता हूँ जब यूथ मीटिंग होती है बहुत सारी यूथ मेरे पास आते हैं कि ब्रदर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करो मैं इन इन बंधनों में हूँ और मेरे से ये हो नहीं रहा कैसे होगा क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो सबसे पहले शैतान जो है मन पर अटैक करता है और आप क्या करते हो उन ख्यालों को एंटरटेन करते हो आपने एंटरटेन किया तो वो आएगा आपने दरवाजा खोला वो तो जरूर आएगा आपको सामर्थ्य बनना पड़ेगा हम तो प्रार्थना कर देंगे लेकिन आपके बैटल्स आपको खुद लड़ने पड़ेंगे और वो लड़ाई आपकी नहीं होगी आपकी ओर से परमेश्वर लड़ेगा लेकिन आपको सबसे पहले उपवास और प्रार्थना में जाना पड़ेगा सबसे पहले आपको आपका सेलफोन या फिर जो भी ऐसी चीजें हैं जो रुकावटें डालने की कोशिश कर रही है उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा कि मेरी कमजोरी क्या है मैं किन कमजोरियों पर के होता चला जा रहा हूं क्या है मेरी कमजोरी आपको ये पहले आपके जीवन का स्टडी करना होगा और एक आराधक होने के नाते तो आपको फास्टिंग और प्रेयर बहुत करनी पड़ेगी ही मैं देखता हूँ बहुत सारे आ रहा तक इन दिनों में सिर्फ खाते चले जा रहे खाते चले और वचन भी कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा खाना पीना चलेगा बहुत सारे हम लोग देखते हैं बहुत सारी तो मराठी में बोलते हैं खाऊ गली कितनी सारी रेस्टोरेंट्स कितनी सारी खाऊ गली आ गई हर, हर कोई जा रहा है लेकिन कोई फास्टिंग करने के लिए रेडी ही नहीं है कोई बलिदान देने के लिए कोई पूरा समर्पण करने के लिए रेडी नहीं है अगर पूरा समर्पण नहीं होगा तो आप मुझे बताओ परमेश्वर आपको बहुत ऐसे कैसे इस्तेमाल कर पाएगा हमारे एक, एक, एक में आपको दे सकता बिल्कुल बिल्कुल हमारे पासू ने एक एग्जाम्पल बताया अगर मान लो मैं मेरा ही नाम लूंगा मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा अगर मान लो मैंने सुबह कोई एक पाप किया है और मुझे शाम को एक आराधना लेनी है ओके okay, मैंने कोई प्रेर नहीं की कुछ नहीं मैंने पाप किया और मैं आया शाम को अगर मुझे वर्शिप लेनी है तो वो वर्शिप बहुत अच्छी हो जाएगी चमत्कार होंगे जो भी होंगे लेकिन ये क्यों होंगे क्योंकि परमेश्वर को उन लोगों पर तरस है इसलिए वो होगा लेकिन अमित को क्या लगेगा अरे कुछ भी किया तो चलता है प्रभु इस्तेमाल करता है आजकल यही हो रहा है लेकिन अमित को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस टाइम पे परमेश्वर ने एक कैदे की तरह तेरा इस्तेमाल किया एक राजा या फिर एक वजीर की तरह इस्तेमाल नहीं किया और वो उस दिन की आराधना परमेश्वर ने जीवन की पुस्तका में नहीं लिखी आजकल यही हो रहा है बहुत सारे वर्षिपर्स को लगता है प्रेयर फास्टिंग नहीं किया तो भी चलेगा चलो प्रभु मेरा इस्तेमाल कर रहा है लेकिन प्रभु लोगों की खातिर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है लेकिन वो उस दिन की आराधना काउंट नहीं की जा रही है आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी होगी प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बनाए रहूंगा अगर कोई डाली पेड़ के साथ जुड़ी हुई नहीं रहेगी तो क्या वो फल दे पाएगी आज हम लोग जुड़े हुए नहीं रहना चाहते बस हमें दो मिनट का अभिषेक चाहिए हमें हम चाहते कि दो मिनट में हमें ऐसा स्टेज मिले लोग लोगों का रिक्नाइजेशन हमें मिले लेकिन उसके लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया चुका जी किन हालातों से आप गुजरे इसलिए तो परमेश्वर ने आपके लिए इंटरनेशनल दरवाजे खोले बहुत सारी कंट्रीज में आप विजिट करके आए बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स परमेश्वर आप, आपका आपका इस्तेमाल कर रहा है आ, विजन्स के द्वारा दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है मैं आपका इंस्टाग्राम देखता हूं आप बहुत सारी पोस्ट आप डालते रहते हो तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने फास्टिंग की अपने प्रेयर को इतना इम्पोर्टेंस दिया तो ये यही उसकी चाबी है यही उसकी की है अगर परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल करना चाह होना चाहते हैं तो आपको फास्टिंग में आना पड़ेगा आपकी आपकी कमजोरियों को पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि मेरी कमजोरी क्या है और प्रभु से सहायता मांगनी होगी कि प्रभु मैं तो अपने बलode पर नहीं कर सकता आप ही मेरी सहायता करें और प्रभु विश्वास योग्य है वो आपका समर्पण देखना चाहता है और वो आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा जी बिल्कुल बहुत से लोग मुझसे ये एक सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर सिर्फ आपसे क्यों बात करता है बहुत से बड़े-बड़े प्रचारक हैं एक्स वाई जेड मैं मेरा एक ही आंसर रहता है कि मैं अवेलेबल हूँ लाइक बहुत बार जब हम फेमस हो जाते हैं तो हमारे पास बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं थी, थी। और एक व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है चाहे वो आराधक हो सेवकाई में हो कि जब परमेश्वर उठा रहा है तो अपने आप को दीन करना भी बहुत ज़रूरी है जब हम पॉलूस को देखते हैं तो परमेश्वर उसके द्वारा चिन चमत्कार करता है अपोस्टल्स के द्वारा करता है लेकिन इमिजिएटली कुछ समय में हम देखते हैं कि वो जेल में मार खा रहे हैं और क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो घमंड करे और भूल जाए कि वो कौन है एंड मेरे लाइफ में आपने सही कहा कि मेरे लाइफ का मेरे लाइफ में फास्टिंग एंड प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर मेरे को आज के तारीख में परमेश्वर बोल दे तो सब छोड़ दे और सिर्फ़ उपवास और प्रार्थना में बैठ जाए आई वुड बी द happiest मैन क्योंकि Amen. जो खुशी प्रेयर में है उसके सन्मुख में बैठने में है और पूरी परिस्थिति विपरीत होती है लेकिन उसमें जो आपको लाइफ में जो सिक्योरिटी मिलती है यू वन बिलीव मेरे ऊपर में आई थिंक ड्यूरिंग कोविड के बाद मेरे ऊपर में मद्रास चेन्नई मद्रास हाईकोर्ट में मेरे ऊपर केस हुआ था हाई कोर्ट पे एक क्रिश्चियन ने मेरे ऊपर केस किया था लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मेरे को नहीं पता था मैं क्या करूंगा कैसे करूँगा और और दस लाख के ऊपर क्लेम किया बहुत सारी चीजें हुई बट यू यूट बिलीव वो स्ट्रेस जो था वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए बट मैंने कोई पब्लिक पोस्ट नहीं किया किसी को पता नहीं चला मैं सिर्फ घुटने पे था एंड यू यूट बिलीव विद इन थ्री मंथ्स एक भी बार चेन्नई में ना जाते हुए चेन्नई नहीं गया मद्रास हाई कोर्ट नहीं गया बिना वहां गए परमेश्वर ने वो केस को खत्म किया Amen, Amen, तो मैंने ये चीज देखा है कि ये चीज देखा है कि प्रेयर के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है yes. आप जब मेरे पोस्ट के, के बारे में बोलते तो मेरे मेरे पोस्ट कुछ थे जो पीएम ऑफिस तक गए हैं क्योंकि जो लोग वहां थे वो मुझे बताए कि हमने ये पोस्ट बताया सो आई एम नॉट बिहाइंड कि मुझे पीएम जाने या सीएम जाने दैट इज नॉट माई गोल जो परमेश्वर मुझे दिखाता है मुझे वो बताना है yes, बट yes. जैसे आपने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अवेबिलिटी प्रेयर लाइफ जो कि yes. बहुत मिसिंग है आज के टाइम yes. पे yes. और समय बदल रहा है हम अंत के दिनों में है के और के खरी शिक्षा बहुत कम हो जाएगी आज जो भी चर्च में मोस्टली दिखता है वो पूरा दुनिया है hmm. दुनिया चर्च में घुस रहा है चर्च दुनिया को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है बल्कि दुनिया चर्च को कर कर रहा है। कर रहा है है जी आ, आपके अनुसार आज की जो सेवकाई की जो आ, संगीत का जो सेवकाई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं लाइक like, जो म्यूजिक मिनिस्ट्री है जी, जी जी अभी जब मैंने पास्टर आरिफ भट्टी से बात किया था तो उन्होंने बहुत सही कहा कि अभी ये मिनिस्ट्री नहीं रही है तो एक इंडस्ट्री बन गई है मतलब एग्जैक्टली exactly. लोग यहाँ पे आते हैं एक वायरल हुआ तो उनको सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए और उनको चाहिए कि लोगों ने सम्मानित करे सो आप करें। आप वर्तमान में जो स्थिति है कलिसिया में आराधक आराधना में और आराधकों में तो आपको क्या लगता है उसमें क्या विचार है आपके एक्चुअली पूरा वर्ल्डली म्यूजिक आया है पहले के जो कई बार मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा बहुत हंस पड़ेंगे इस बात से एक अंकल आए मेरे पास तो उन्होंने कहा कि एक एक ओल्ड गाना है मूवी का क्या हम उसमें हमारे मसीह के शब्द डालकर हम लोग उस चर्च में गा नहीं सकते ऐसे पूछा <laughs> वो, तो मैं हंस पड़ा तो मैंने उनको बोला जी। कौन नहीं सा गाना हम था? लोग वो अभी याद नहीं आ बहुत ओल्ड सॉन्ग था मतलब आई थिंक वेरी ओल्ड सॉन्ग किशोर कुमार या समथिंग तो उस जमाने का तो वो उनको बहुत अच्छा okay. लगता तो क्या हाँ तो, तो, क्या हम लोग इसमें शब्द डाल कर क्योंकि इसका उसका ट्यून बहुत अच्छा है ये है तो हमने वही कहा कि ऐसा hmm. हम लोग नहीं कर सकते जग में से जग की चीजों को उठाना वही परमेश्वर को देना फिर क्या फायदा इसका क्यों फिर जी। इतने मसी के एक दास घुटनों पर जाते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु एक अच्छा गीत मुझे दे और वो उन हालातों से जाते हैं तब परमेश्वर उनको एक अच्छी ट्यून देता है एक अच्छा गीत देता है बहुत सारे ऐसे गीत लेकिन आजकल वही हो रहा है सब पूरा मतलब बॉलीवुड चर्च में एंटर हो चुका है ऐसा लगता है बॉलीवुड का सॉन्ग कौन सा है या फिर हमारा मसीह गीत कौन सा है कुछ पता ही नहीं चलता म्यूज़िक सेम हो रहा है मतलब पूरी वर्ल्डली चीज़ें चर्च में इंटर हो चुकी है और जैसे आपने कहा मैं इस बात पर भी बहुत सहमत हूँ हमारे पुणे सिटीज़ में हो या फिर जो भी बॉम्बे में हो जहाँ पर भी आपके नागपुर में हो हर एक वर्शिप लीडर्स को सिक्योरिटी कार्ड चाहिए ये चाहिए वो चाहिए बड़े बड़े होटल्स चाहिए रहने के लिए इतना इतना अमाउंट इतने इतना ऑफरिंग चाहिए हम लोग इतने ऐसे-ऐसे कार चाहिए ये चाहिए बहुत सारे डिमांड्स आजकल बढ़ रहे हैं लेकिन खरीद से वही साइड में रह चुकी है तो वो सारी चीजें एंटर हो चुकी है और जो नहीं होना चाहिए तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है और ये क्या हो रहा है इसका मेन रीजन यही है क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते Bible नहीं पढ़ते अठारह एक, 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 साल का एक लड़का मेरे पास आया उसने मुझसे कहा कि ब्रदर अमित जो वचन आप आपकी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हो तो उसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है फिफ्टीन मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स या फिर कभी कभी थर्टी मिनट्स आप, आप ऐसे किया करो जैसे सिक्सटी सेकेंड्स या फिर इंस्टाग्राम पे एक मिनट वो एक मिनट में ही होना चाहिए मतलब इतना फास्ट चाहिए इन लोगों को ये पांच मिनट भी वचन नहीं सुनना चाहते इनको बस 60 सेकंड्स चाहिए हाँ पूरा sermon 60 सेकंड्स में आप मुझे बताओ ऐसे में ये लोग क्या सीख पाएंगे और और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा मैं किसी के विरोध में नहीं हूं मैं अभी भी बोलता हूँ, लेकिन जो हमारे वर्शिपर्स हैं वो वो लो लोग की गलत एग्जांपल सेट कर रहे हैं इसलिए जो भी अपकमिंग वर्शिपर्स है वो भटक रहे हैं तो इन सीनियर्स, सीनियर वर्शिपर्स ने अगर एक अच्छा एग्जाम्पल तो से आराधक है ही अगर बताया कि बाइबल को सबसे ज्यादा अहमियत दो प्रेयर को सबसे ज्यादा अहमियत दो तो आने वाले वर्शिपर्स भी यही सीखेंगे क्या मैं सही कह रहा हूँ जी आप थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन करना चाहोगे भले नाम ना लो लेकिन क्या एक्सपीरियंस किस वजह से आपने ये आ, लाइन ऐसी कही सी हाँ ये देखो आ, हम सभी लोग जानते हैं बहुत सारे सीनियर्स वर्शिपर्स हैं जो लॉकडाउन के समय में बहुत सारे सीनियर्स वर्शिपर्स ने मैं नाम नहीं लूँगा पर बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाना शुरू किया और उसमें हमारे क्रिश्चन लिरिक्स उन्होंने उसमें ऐड किए अब उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो भी नए बच्चे लोग हैं नए वर्शिपर्स जो है जो बढ़ रहे हैं प्रभु में उन्होंने सोचा रे ऐसा भी चलता है बट थैंक गॉड कि मूवी के सॉन्ग्स हमारे चर्च में किसी ने अब तक नहीं गाए लेकिन आप मुझे बताओ अगर ऐसा हुआ होता तो क्या हो जाता ये ये बहुत गलत बात है कि शैतान की चीजें लो और फिर परमेश्वर को दो नहीं हम खुद घुटनों पर जाना चाहिए घुटनों पर जाना है परमेश्वर से लिरिक्स मांगने हैं हम क्यों यहाँ वहां का चुरा है बाइबल भी क्या बोलती है रोमी उसका बारह और उसका दूसरा वचन अपने मन का परिवर्तन करो अपना चाल चलन सुधरो लेकिन अगर हम लोग ही अगर ऐसा करेंगे तो हम क्या एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हम लोग जग का उठाकर हम लोग परमेश्वर को नहीं दे सकते बताती है उसके पास बहुत सारे दूत है एंजल्स है जो दिन रात उसकी आराधना करते रहते हैं उसको कहते रहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का प्रभु जो था जो है और जो आने वाला है लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी आराधना में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है वो हमारे बुलाने पर है है बाइबल कहती है ना जैसे दाऊद कहता है कि हम मनुष्य क्या है में ऐसी क्या खूबी है कि परमेश्वर हमारे बुलाने पर दौड़ा चलाए लेकिन ये उसकी कृपा है ये उसका प्यार है हमारे प्रति जो स्वर को छोड़कर हमसे मिलने के लिए चलाता है तो हमें उसको उत्तम से उत्तम देना पड़ेगा क्योंकि पिता ने अपना इकलौता बेटा अप, अपने लिए नहीं बख्शा अपने खुद के लिए उसने नहीं रखा तुम्हारे लिए मेरे लिए हम सबके लिए उसने वो दे दिया तो हमें भी उसको उत्तम से उत्तम देना ही पड़ेगा ना एग्जैक्टली exactly. <laughs> आप जब वो सॉन्ग के बारे में बोल रहे थे कि लाइक यू you नो know, बॉलीवुड में हम लिरिक्स क्यों नहीं डाल सकते तो जो वो ट्यून जो है वो पवित्र आत्मा से नहीं मिला है नहीं मिला जो हम पवित्र आत्मा से मिला है उसको जब हम परमेश्वर को देखते तो ही वो एक सुगंधित द्रव्य के जैसे यू नो नोट के जैसे yes. परमेश्वर तक पहुंचता है पहुंचता है एंड जी आजकल बहुत सी आराधना है जो कि सिर्फ दिखावे की है yes. और प्रॉब्लम जो आज चर्च में मुझे जो महसूस होता है वो एक ही है कि दो चीज़ की कमी एक तो वचन नहीं पता और डिजर्नमेंट नहीं।, नहीं है येस, येस। तो वचन नहीं पता है तो जो आए बाए सामने वाला बोलेगा वो करेंगे आई वॉज uh, किसी ने मुझसे मैसेज किया कल रात को ही की मैंने और मेरे हसबेंड ने रात को 12 बजे प्रेयर किया 40 दिन एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि कहाँ लिखा है बाइबल में कि रात के बारह बजे प्रेयर करने से ही आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा उत्तर और एक मिले और चीज़ जो आपने एक चीज जो बोला कि चर्च में अभी तक बॉलीवुड एंटर नहीं किया है आपके चर्च में लेकिन एक चीज जो हो रही है आई डोंट नो बट पुणे सेंट्रल पार्ट में कि हर एक चीज जो दुनिया की होती है उसको प्रेयर से स्टार्ट करते हैं और प्रेयर से स्टार्ट करने के बाद दे डू एवरीथिंग लाइक अदर रिचुअल्स जैसे कि उनके उधर शादी होती है तो आप शादी में जाओगे तो वहां पर डीजे बजेगा पिक्चरों के गाने बजेंगे लेकिन स्टार्टिंग प्रेयर से हुआ ना वहाँ के लोग बोलते हैं हाँ, स्टार्टिंग प्रेयर से हुआ ना तो ये प्रभु का हो गया मतलब वहां पे आप जो भी गाने बजा रहे हो उस पर नाच रहे हो सब चलेगा एंड दिस सॉर्ट ऑफ पीपल वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ईश्मसी आएगा लाइक यू नो मीटिंग्स में जो दू, दूसरा आगमन पे मीटिंग्स होता है so इश्मसी आएगा इश्मसी आएगा पर तुम जाओगे क्या जाओगे बिकॉज तुम दो नाव पे सवार हो रहे हो एंड ये चीज बहुत दुख लगता है लाइक like मैंने बड़े, बड़े बड़े प्रचारकों को देखा है लाइक like अर्लियर मैं बहुत सारे मीटिंग्स लेता था मेरे को मेरे को अभी भी मीटिंग्स आते हैं लेकिन अभी ये हो गया कि मैंने बहुत कम कर दिया है मीटिंग्स लेना क्योंकि हम जाके वहां प्रचार करेंगे लेकिन करने के बाद भी वो अगर बदलना ही नहीं चाहते पीढ़ी दर yes. पीढ़ी वो mm. वही प्रथाओं में चलना चाहते हैं उससे mm. बेटर है अगर मैं अपनी सिटी में वो टाइम इन्वेस्ट करूँ और एक आत्मा जीतू तो वो बेटर है रेदर देन हजार के सामने प्रीच करो लेकिन उनमें से कोई बदलना ही नहीं चाहते एंड वो बहुत दुख होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं इतना दुख उठा के आप तीन दिन प्रचार करते हैं। आई रिमेम्बर जब मैं मलेशिया में था लाइक आपने दो तीन बार बोला इंटरनेशनल प्रीचिंग के लिए गया एंड ऑल बट यू नो वहाँ जाके मेरे लिए वो कोई अचीवमेंट नहीं है क्योंकि वहां जाके भी यही दिखता है कि वो कितने दूर है परमेश्वर से यस yes, yes. और एक समय का मैं आ, आपको बोलना तो नहीं था लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं मुझे याद है मैं मलेशिया में एक चर्च में प्रीच कर रहा था और परमेश्वर का सामर्थ इस तरह वहाँ पे काम कर रहा था कि लोगों की लोग सिस्क, सिस्कियाँ लेके रो रहे थे मतलब सुनाई दे रहा था लोग रो रहे हैं और रो आ, मेरा प्रीचिंग खत्म हुआ पवितात्मा का बहुत अद्भुत कार्य हुआ एंड यू नो वो पास्टर जो थे चर्च के यू नो हिज टूडअप क्योंकि उनको भी वचन काटा तो लेकिन उनके अंदर में प्राइड था एंड यू नो द मोमेंट ही हिज अप एंड ही सेट परमेश्वर का वचन कहता है देर इज नो कंडमनेशन इन क्राइस्ट जीसस तो वो जो डेढ़ से दो घंटे का जो पवित्र आत्मा का काम था वो एक झटके में उन्होंने खराब कर दिया खराब कर सो दिस इज वॉट हैपन्स कि आप मेहनत करते हो इधर से आप दूसरे जगह जाते हो लोगों को yes. लगता है फ्लाइट में बैठना आसान है लेकिन जब आप hmm. फ्लाइट में बैठोगे तो आपको लगेगा कि साइकिल चलाना आसान है hmm. क्योंकि इतना दिक्कत से बैठना पड़ता है एक ही सीट पे आपको छः-छः घंटे अठारह अठारह घंटे अगर आप बैठ रहे हो इजी नहीं है आप उठ नहीं सकते कुछ नहीं कर सकते लगता है, है दूर से बहुत अच्छा है लेकिन जो उस पर रियली जो ट्रैवल करके मेहनत करता है उसको पता है कितना दर्द है तो वो चीज अभी जो भले चर्चेस में नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी जब पासबान ऐसी चीजों को अपनी कलीसिया में अनुमति देता है प्रेयर करके वो उसमें शामिल होता है वो एक सेकंड फेस है जो दूसरे सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि जो लोगों को दिखता नहीं है बहुत सारे लोगों को चर्च में तो नहीं होता पर पास्टर बोलता है चर्च के बाहर तुम करो लेकिन दुआ करके स्टार्ट करो लाइक अभी like, एक नया स्टेट चालू हुआ है कि हम हल्दी नहीं बनाते हम हल्दी के जगह हम ऑयल लगाएंगे मतलब पर नाम तो वही है ना तुमको वो तो क्यों ये? करना है सो दिस थिंग्स लाइक इवन पास्टर्स लाइक आई रिसेंटली हर्ड अ पास्टर सिंह हल्दी का खाना बहुत टेस्टी होता है सो hmm. <laughs> <So laughs> पास्टर ये चीज hmm. बोल रहा है तो ये तो चीज बोल रहे हैं। जी तो क्या हमें क्या बोलेंगे तो सोचो भेड़ का क्या होने वाला है यस yes. चरवा ही ऐसे तो भेड़ क्या करेंगी किसके पास जाएंगी जी किसके पास जाएंगी तो आखिरी सवाल ब्रदर आपसे है कि जो युवा आपको देख रहा है बहुत सारे बच्चे yes. हैं जो आपको देख रहे जो एक बनना चाहते हैं yes. तो आप उनको क्या सलाह देंगे कुछ पॉइंट्स की उनके लाइफ में क्या चीजें उनको करना है क्या नहीं yes. करना है ऐसे कुछ yes. पॉइंट्स आप उन्हें बता सकते हैं यस yes, जरूर जरूर जो आराधना की सेवकाई में आना चाहते हैं जो प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं आराधना हो या चाहे वचनों की सेवकाई हो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आप पहले प्रभु के चरणों के पास बैठे और आपका कॉलिंग क्या है वो पहचाने ये बहुत जरूरी है कि प्रभु की बुलाहट मेरे लिए क्या है क्या मैं आराधना की सेवकाई के लिए ही बुलाया गया हूं क्या मैं वचनों की सेवकाई के लिए बुलाया गया हूं सबसे पहले ये कंफर्म करें आजकल यही होता रहा है कि मुझे बुलाया किस लिए है यही मुझे पता नहीं है अभी मैं जैसे बाइबल कॉलेज होकर आ, मैं पास आउट हुआ 2013 को उसके बाद मैं पास्टर लगा सकता था लेकिन मैंने आज तक पास्टर नहीं लगाया है मैं ब्रदर में ही बहुत खुश हूँ और मैं आराधना की सेवकाई में ही बहुत खुश हूँ बहुत सारे वर्शिप लीडर्स को आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद वो पास्टर लगाएंगे लेकिन क्या उसके लिए उनको बुलाया गया है या नहीं ये मेरा सवाल है तो जो आराधना की सेवकाई में आना चाहते हैं या जो प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं तो पहला पॉइंट तो ये है आप प्रभु से पूछे कि प्रभु मैं क्या करूं मेरी बुलाहट क्या है आप मुझे बताइए अगर प्रभु कहते हैं ना कि नहीं तू चर्च में झाड़ू मारने का काम कर कुर्सियां लगा वो भी एक सेवकाई है जरूरी नहीं कि हम स्टेज पे ही जाकर ही कुछ करें तो सबसे पहला पहला पॉइंट मेरा यही है कि आप परमेश्वर से पूछे कि प्रभु मेरी बुलाहट क्या है मैं किस लिए बुलाया गया हूं सेकंड पॉइंट आप अगर आ रहा हैं कि सेवकाई में आते हो तो सबसे पहले जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि आप आपकी कमजोरिया परमेश्वर को सौंप दे आप अपने जीवन का जैसा पौलूस कहता है आप आपके जीवन का परीक्षण करें कि प्रभु इन इन चीजों में मैं बहुत वीक हूं लेकिन मेरी वीकनेस में आपकी ही स्ट्रेंथ काम करती है ऐसा आपका कलाम कहता है तो आप मुझे सहायता करें यह तो दूसरी चीज हो गई कि आप अपने जीवन का परीक्षण करें आपकी कमजोरियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे तीसरी चीज जो है परमेश्वर के भय में चले चौथी चीज पवित्रताई में जीवन जिए और एक पॉइंट अगर ऐसी कुछ चीजें हैं और अगर कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको लगता है कि ये मेरी सेवकाए में बहुत अड़चने डालने का काम कर रही है तो आप उनको साइड को करें प्रभु ये मसीह के नाम से वही मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आप जैसे प्रार्थना में उपवास प्रार्थना में जाओगे आप परमेश्वर के साथ संगति करने बैठोगे परमेश्वर हर एक चीज एक 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 आपके माइंड में डालता चला जाएगा और सबसे आखिरी पॉइंट आपका मन जो है आप भटकने ना दे इन दिनों में यही हो रहा है मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी ही में, जैसे आपने आपका बताया आप प्रचार के लिए गए थे बाहर आउट ऑफ कंट्री आपने इतना अच्छा प्रचार किया लेकिन दो मिनट में पूरा काम खराब हो गया क्यों क्योंकि चंचल मन कई बार हमारे साथ भी ऐसे होता है कि इतना अच्छा हम हम आते हैं जैसे जैसे ही हो गया जैसे हम चर्च में सब सबको वगैरह करने लग जाते हैं हाँ करो लेकिन जब हम चर्च से घर आ रहे होते क्या आपके माइंड में वो सरमन चलते रहता है क्या आप घर में आने के बाद भी वो सरमन आपके मन में चलते रहता है जब आप सोने लग जाते हो क्या आपके माइंड में तभी वो शर्मन है कि आज पास्टर जी ने हाँ बहुत अच्छे से प्रीच किया आज सबसे मैं फिर से वही पॉइंट पौ, पर आना चाहूंगा जो मैंने पहले कहा था कि आज सबसे ज्यादा शैतान हमला हमारे मनों पर करता है भटकाने का काम करता है तो आराधक अगर आप बनना चाहते हो तो सबसे पहले फोकस रहो फोकस बहुत जरूरी है आप क्या चुनते हो उसी पर आपका आने वाला भविष्य निर्भर होगा अगर आप आराधक बनना चाहते हो परमेश्वर की करना चाहते हो लेकिन आपका फोकस नहीं है ये नहीं चलना है तो आप लंबी रेस, लंबी रेस, दौड़ नहीं चल पाओगे आप बीच में ही रोक जाओगे तो ये वो पॉइंट थे जो आपको करने हैं उसमें फास्टिंग प्रेयर भी है पवित्र जीवन जीना भी है समर्पित जीवन जीना भी है जैसे पौलुस एक वचन मुझे अभी याद आ रहा है जैसे पौलुस कहता है बहुत सारी ऐसी थी लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण मैंने उन चीजों को उन बातों को कूड़ा समझा आपको वचन है बाइबल में बहुत अच्छा ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है कई बार ऐसे होता है कि प्रभु ये चीज मुझे बहुत पसंद है लेकिन ये बाइबल के खिलाफ है तो इन चीजों को हमें प्रभु के लिए छोड़ना पड़ेगा आजकल यंगस्टर्स नहीं छोड़ना चाहते फिफ्टी फिफ्टी खेलना चाहते तो कैसा होगा आरा दग, आरा को मैं यही कहना चाहता हूं आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें उसके बाद ही आपका फोकस परमेश्वर पे पूरी तरह आता चला जाएगा और ये प्रोसेस है एक दिन में ये नहीं होगा एक दिन में ये नहीं होगा पउल कहता है इस शरीर को मैं रोज मारता और कूटता हो और परमेश्वर की अधीनता में लेकर आता हूं परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा मैं ऐसे नहीं कह कह रहा हूँ कि बहुत ऐसे इस्तेमाल करेगा मतलब आप अगर पुणे में हो तो आप किसी और शहर में ऐसा नहीं है आप पुणे शहर के लिए भी एक आशीष का कारण रह सकते हो नहीं तो बहुत सारे आराधकों को गलत फहमी होगी कि अरे चलो ब्रदर अमित ने कहा कि चलो बहुत आयत से इस्तेमाल होगा इसका मतलब मैं बहुत सारी सिटीज में जाऊंगा इधर जाऊंगा ऐसा नहीं है तो वो आपको उसी शहर में भी बहुत आयत से इस्तेमाल कर सकता है बस हमारा फोकस ये होना है कि मुझे जीवन का मुकुट आना है मुझे परमेश्वर शाबाशी दे कि अमित तो ने अच्छा काम किया भले ही वो झाड़ू मारने का काम हो भले ही वो लगाने का काम हो या फिर भले ही वो आराधना का काम हो जो भी काम परमेश्वर मुझे दे उसमें मुझे विश्वास हो गया, रहना पड़ेगा। जी बहुत अच्छे से आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट्स के साथ में आपने समझाया एंड आप जिस तरह बता रहे थे कि जो काम दिया है वो करने के लिए एंड yes. मेरे चर्च में मैं हमेशा सबको एक ही चीज बोलता हूँ कि विश्वास योग्य रहो Yes. एक भेड़ है विश्वास है विश्वास योग्य जो yes. दिया है अगर हम कम में विश्वास नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे हम कभी भी परमेश्वर के बड़े काम को नहीं देख पाएंगे काम आज काम लोग चुटकी बजाते दो लाख चाहिए दस लाख चाहिए लोगों को लेकिन लेकिन वो विश्वास योग्य रहना नहीं चाहते रहना नहीं चाहिए जी तो वो टीचिंग क्योंकि आज का जो चर्च का जो सक्सेस uh, रेट है लोग दुनिया के अनुसार देखते हैं hmm. थिएटर में कितनी टिकट बिकी उसके yes. अनुसार वो पूछते कि चर्च में कितने लोग थे जजमेंट पास एक करते हैं माइंड जो है वो दुनिया के स्टैंडर्ड से आजकल लोगों का चलता है थैंक यू सो मच ब्रदर अमित आपने अपना कीमती समय निकाला आप हमारे इस पॉडकास्ट के शो में आए एंड इट वॉज अ ग्रेट ब्लेसिंग एंड आई बिलीव कि जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए भी आज का पॉडकास्ट एक आशीष का कारण होगा आ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा अपॉर्चुनिटी दी अच्छी 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 और हम दोनों ने जितनी भी बातें की मैंने तो बहुत बरकत पाई आपने आपके जो भी अनुभव शेयर किए बहुत सारी चीजें के द्वारा मुझे सीखने जी. मिली सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू जी सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस एंड देर इज अ स्मॉल Uh, notice that i would like to share that uh, when we started this this podcast we thought of uh, you know coming up with a video every week but uh, due to some unavoidable circumstances um, now we have decided that uh, two videos will be coming uh, every month uh, so that will, you know, give us a little time also to prepare, and uh, because every week it was getting very hectic for me, and as many of you are knowing that we are expecting a baby in our family, so, so I'm not getting proper time to invest into this also. So, uh, so we will be coming only second and fourth week of the month. So so from every month two videos we will be posting so uh, so we, next time we will be back again with another vessel that god is using in his vineyard so don't forget to subscribe and hit the bell icon and for more information you can check the description below and i believe that god is with you and today's podcast has been a great blessing to me and it is it will be a great blessing to you and if it has blessed you do share with all your friends and loved ones. May God bless you. May His face shine upon you. Keep smiling. Stay blessed. Shalom.